नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका, सनी लियोनी बनेगी मीना कुमारी। हवस, गर्लफ्रेंड और सौतन जैसे फिल्मों को बना चुके निर्देशक करण राजन एक बार फिर से फिल्म निर्माण क्षेत्र में आ रहे हैं। अपने निर्देशित फिल्मों के लिए मीडिया और समीक्षकों की आलोचनाओं का सामना करने वाले करण ने अपनी कॉमेडी फिल्म मिशन भट्टी और छुट्टी 2012 के बाद फिल्में बनाना छोड़ दिया था। कुछ समय पहले खबर आई थी कि करण पुरानी अदाकारा मीना कुमारी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। करण की इस फिल्म की कहानी मीना कुमारी की शराब में डूबी और प्रेम में असफल जिंदगी पर आधारित होगी। उन्होंने इस बायोपिक में मीना कुमारी की भूमिका के लिए कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन से संपर्क किया, पर किसी न किसी वजह से इन तीनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। पर बायोपिक में विद्या बालन मीना कुमारी का किरदार निभाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह चाहती थी कि स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव लाया जाए। वह इस बायोपिक फिल्म को पूरी तरह से गंभीर बनाना चाहती थी, इसी वजह से उनसे भी बात नहीं बन पाई। हो सकता है कि तीनों अभिनेत्रियों को मीना कुमारी की जिंदगी को लेकर कुछ बातें विवादित लगी हों, इसी कारण तीनों अभिनेत्रियों ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। पर जब इसका पता सनी लियोनी को लगा तो उन्होंने खुद ही करण को फोन कर स्क्रिप्ट सुनने की इच्छा को प्रकट किया। करण ने बताया कि मैं खुद उनके घर जाकर उनसे मिला और उन्हें मैंने काफ़ी देर तक उसकी स्क्रिप्ट सुनाई, पर मैं पहली महिला थी जिन्होंने उनसे कहा कि इस फिल्म की शूटिंग सब कब से शुरू हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा कि सनी लियोनी इस रोल के लिए सही है या नहीं, सनी लियोनी खुद ही इस रोल में अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। सनी के मीना कुमारी के प्रति उत्साह ने करण राजदान ने उन्हें फिल्म दिला तो दी है, लेकिन देखना यह है कि मीना कुमारी के प्रशंसकों के भारी विरोध के बावजूद भी वह मीना कुमारी के किरदार को पर्दे पर किस तरह निभाती है। ये थी एसएन न्यूज की रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप पा सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।